कुछ और बातें करते हैं। आप में से कोई वीडियो कॉल्स करता है क्या? वीडियो कॉल्स अरे सब घबरा के नॉर्मल वीडियो कॉल्स की बात कर रहा हूँ मैं, गंदे वाले नहीं भाई साहब। करते हैं ना वीडियो कॉल्स करते हैं। हाँ, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द लॉकडाउन काफ़ी बढ़ने लग गया ना, एवरीबॉडी स्टार्ट यूजिंग इट, जो कि थोड़ा सडन था बिकॉज थोड़े प्रोटोकॉल्स डिस्कस होने चाहिए ना इसके, थोड़े वीडियो कॉल एटिकेट्स, लाइक एवलिफ्ट एटिकेट्स, डाइनिंग एटिकेट्स, ऐसी वीडियो कॉल एटिकेट्स, क्योंकि आपके घटिया दोस्त हो सकते हैं जैसे मेरे दिल्ली के दोस्त हैं, उनका कुछ फिल्टर है ही नहीं, सीधा मुंह से हक देते हैं, वर्बल डायरी है सबको कि तुम संभालो आप। एंड प्रॉब्लम विद वीडियो कॉल इज, वीडियो कॉल उठाओ तो फोन डायरेक्टली स्पीकर पे चला जाता है, बहुत दिक्कत है ना। क्योंकि देखो अभी मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मेरे ऐसे बढ़िया दोस्त है, डेकोरेटर, डिजाइनर, इन सब के बीच में एक इमेज है, और अचानक से कोई वीडियो कॉल आया, मैं उठाऊँ और बेटी चोद खत्म ना, फिर सब गया ना इमेज। अभी मैं इनके सामने कभी फेमिनिज्म की बातें तो नहीं कर सकता ना। और लड़कों का तो वैसे ही वीडियो कॉल का बहुत सीन है, लड़कों में कुछ सिंपल रूल से वीडियो कॉल के, कि अगर कोई लड़का किसी और लड़के को वीडियो कॉल करे और पहले 9 सेकंड में फोन ना उठाए तो पक्का नंगा बैठा हुआ तभी टी शर्ट पहन रहा है। और ये भी तब अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो, क्योंकि ज्यादा क्लोज दोस्तों वो तो ऐसे ही उठा लेगा, मस्त नग्न सा शरीर देखने को मिलेगा आपको। और एक तो मैंने आज तक किसी लड़के को कॉल ही नहीं किया जो खड़ा हुआ था, वैसे सारे लेटे ही होते हैं ऐसे, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, डोंट बिलीव इन वर्टिकल को। और ये भी नहीं कि फोन यहाँ रख ले, यहाँ नाभि का पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है साहब, सब पपीते से बात कर रहे हो तुम। मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, राज करके एक दोस्त है, उसने तो उल्टा ही कर दिया, उसने 9 सेकंड लिए फोन उठाने में, फिर फोन उठा और मस्त ऐसा नंगा बैठा हुआ है। और भाई तू 9 सेकंड कर क्या रहा था? इस लाइक भाई मैं टी शर्ट उतार के कंफर्टेबल हो रहा था। सीन है यार वीडियो कॉलिंग का, बहुत सीन है। आपको घर पे भी कभी वीडियो कॉल आ जाए बहुत दिक्कत है, क्योंकि वाइफ तो हमेशा साइड में ही है ना। लाइक बॉम्बे के घर है ही कितने बड़े, इन बॉम्बे एवरी कॉल इज अ कॉन्ग कॉल है, उसके मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। तो अभी सेम ही मेरे राज दोस्त का फोन आया, वीडियो कॉल आया, वाइफ साइड में बैठे। और राज, जिसका बाय द वे पूरा नाम राजेंद्रनाथ दुबे है, बट बचपन में ऐसे ही मिला था, हे कॉल मी राज। 2 साल बाद राजेंद्रनाथ है भोसड़ी का। और राज प्रॉपर बड़ा आदमी है, लौंडा वोंडा नहीं, 36 साल का, शादीशुदा, बड़ा, बच्चे का बाप बनने वाला है वो, रेडी है ही नहीं, दूर दूर से। इज इट वियर्ड वैसे कि कोई भी बच्चे का बाप बन सकता है? कोई भी कैसे बन सकता है यार? कुछ तो टेस्ट रखना चाहिए ना यार। आपने एमबीए का कैट बना रखा है, ये सब अलाउड है। तो राज का मुझे फ़ोन आता है, साइड में वाइफ अपना बैठ के वो इंस्टा स्ट्रोलिंग कर रही थी, जब भी बोर होती है इंस्टा स्ट्रोल करती रहती है, बस ऐसा लगता है किसी को टीका लगा रही है बार बार। तो राज का फ़ोन आता, पहले 1-2 मिनट हमने और क्या चल रहा बात की, फिर अचानक से राज कहता है, अरे भाई, जस्ट लाइक दिस, अरे भाई। और जैसे ही उसने बोला मुझे समझ में आ गया कुछ एक घटिया बोलने वाला है, कुछ तो गंदा ही बोलेगा। तो मैं ना प्रीएम्प्ट करके फोन ऐसे साइडवेज दिखाने लग गया कि देख ले, वाइफ साइड में है, राज डज नॉट गिव अ फक, राज डज नॉट केयर। राज देखो कॉमेडियन है, असली में नहीं, वो समझता है कि वो कॉमेडियन है। दिल्ली के 90% लड़के ऐसे ही होते हैं, अपने ऊपर प्रेशर लेके बैठे, भाई हमें कुछ तो बकचोदी करते रहनी, भाई कुछ तो फनी बोलते ही रहना है, वरना आधार कार्ड छीन लेंगे भाई हमसे। लोगों को यही लगता है कि मैं व्हेन आई एम विद माय फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, मैं एंटरटेनिंग वाला बंदा हूँ। नहीं, मैं बस बैठे रहता हूँ, वो लोग अपना ही कुछ करते रहते हैं। कोई बढ़िया जोक मारे तो मैं लिख लेता हूँ, ये वाला अच्छा था, यूज कर लूंगा। तो राज को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राज डज नॉट केयर। लाइक भाई तेरी एक फोटो मिली भाई। अब साइड में वाइफ की स्क्रोलिंग रुक गई है और वो इंटेंसली की पोस्ट को घूरे जा रही है। और देखो इस सिचुएशन में मैं ज्यादा कॉन्शियस भी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं ऑडियंस हूँ। ऑडियंस पे भी तो एक प्रेशर होता है ना यार। लाइक अभी मैंने वो दहेज वाला जोक मारा था, उस पर अगर ये आदमी क्या बकवास कर रहा है कह के निकल ही जाता तो लगता ना भाई इसका क्या सीन है बे ये। तो इधर मैं ऑडियंस हूँ तो आई हैव टू बी लाइक अच्छा क्या फोटो अंदर मेरी फट रही भाई क्या मिल गया इसको यार। और ये देख के मेरा साइड में राज कंटिन्यूस, भाई लड़की के साथ एक फोटो। अब साइड में वाइफ की स्क्रोलिंग तेज हो गई है, उसका अंगूठा हवा से तेज जा रहा है, मुझे हवा आ रही है अंगूठे से, इंस्टाग्राम के सर्वर क्रैश हो रहे हैं, बट आई एम ऑडियंस, आई हैव टू प्रिटेंड। लाइक भेज तो ना फोटो भेजता और मैं खुद क्यूरियस हूँ कि इसको क्या फोटो मिल गया, बिकॉज सी आई हैव बीन विद हर सिंस आई वाज 19 ना, एंड उसके बाद से मेरी जिंदगी रही है सपाट, नो वेरिएशंस, ब्लैक एंड वाइट, नॉट बिकॉज ऑफ मॉरल हायर ग्राउंड, जस्ट बिकॉज ऑफ शियर लेजीनेस। कि बार बार कौन है फट मारे यार, हमसे नहीं हो रही डे ट्रेडिंग बिटकॉइन, सब एफडी वाले लोग एक जगह खाता खोलते देखते हैं क्या होता है। क्यूरियस हो कि इसको क्या मिल गया, तो फोटो भेजता है और फोटो में ना मैं और एक लड़की बैठे हुए, क्लियरली इट्स अ हाउस पार्टी, और भी लोग हैं बैकग्राउंड में, बट फोरग्राउंड में मैं और एक लड़के बैठ के ऐसे एक दूसरे पे लीन करके स्माइल कर रहे हैं। बट द वियर्ड थिंग इज मुझे खुद नहीं पता कि ये लड़की कौन है। आइडिया तो होता है ना कि फ्रेंड, मुझे पता ही नहीं, तो लाइक पता नहीं यार कौन है ये लड़की। दिस वॉज अ रिटोरिकल क्वेश्चन, रिटोरिकल का मतलब तो पता ही हो ना, questions that don't have any answer। For instance कोई अगर बोल दे कि भाई आज का दिन इतना खराब क्यों जा रहा है, उस टाइम पे कोई आके क्योंकि तू लोड़ू है, अरे भाई ये क्या बदतमीजी है। पर राज उसी घराने का है और उसके डिक्शनरी में नहीं है रिटोरिकल, उसके डिक्शनरी में कलेश। पता नहीं कौन लड़के, I was like भाई लगता उस दिन ज्यादा शराबे हो गए थे भाई। अब साइड में वाइफ सारे पोस्ट लाइक कर जा रही है, लाइक्स, बट आई एम ऑडियंस, आई हैव टू प्रिटेंड। एंड राज देखो थिंग्स लाइक अ कॉमेडियन, दिस इज कॉमेडियन भी एस्केलेट करता रहता है ना, तो वो भी चीजें एस्केलेट करे जा रहा है कि जैसे फोटो, लड़की के साथ फोटो, तो और एस्केलेट करते हैं। भाई तुम दोनों बेड पे भी बैठे हो भाई। नाउ इन दैट फोटो मैं और वो लड़की बेड पे बैठे हैं, और विच इज अ कंप्लीटली नॉर्मल थिंग till somebody points it out specifically। Once somebody specifically points it out, bed पे क्यों बैठे भाई, कुर्सियाँ कम पड़ गई थी क्या पार्टी में। But I'm audience, I have to pretend। But राज को लग रहा है मैं tough audience हूँ, तो उसे और level up। भाई लगता है one night stand। भाई तू फोन रख जरा। I look at my wife, यार ये क्या बोलता रहता है, क्यों क्या हुआ। ऐसे कैसे कुछ भी बोलता रहता है यार, ऐसा क्या बोला इसने। At this point मुझे लग रहा है ये सुन भी रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं ही बैठ के अपनी कबर खुद ही खोद रहा हूँ, मस्त फावड़ा लेके क्या बढ़िया लेटूंगा अंदर। But I check with her, it seems that she's fine, and but I'm losing it on my friend कि क्या गधा आदमी है यार। मतलब शक होने को तो एक ही सेकंड लगता है ना, तो मैं फ्लिप करो क्या पागल, मैं उसको फोन करने के लिए बोला गली आने के लिए उसको सुना दो, वीडियो कॉल करता हूँ, पहले 9 सेकंड उसने फोन ही नहीं उठाया। मुझे और इरिटेशन हो रही है कि साला मेरे घर में कलेश करा के नंगा बैठा हुआ आदमी यार। फिर वो फोन उठा रहा मस्त ऐसा नाभी वाला ऐसा, अरे तो पागल है कुछ भी बोलता रहता है। क्या हुआ भाई, फोटो अच्छी लगी क्या, एक और भी है भेजो। साले थोड़ा सोच समझ के बोला कर यार, तू बड़ा आदमी है, बच्चे का बाप बनने वाला, एक तो कोई टेस्ट दे क्या तू। एंड व्हाइल आई एम लूजिंग इट ना, पूरा एकदम मैं रैंट जब कर रहा हूँ, अगर आप व्हाट्सएप पे कॉल करो पीछे से कोई और दूसरा कॉल उठा ले तो रिकनेक्टिंग पे जाता रहता है ना, तो व्हाइल आई एम रैंटिंग वो बार बार मेरा फोन काट के दूसरा फोन उठाता है। जब मैं खुंदस में चिल्ला, मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि भाई तो सीरियसली समझ गया, भाई जेप्टो वाले से रोलिंग पेपर मंगाया था भाई। Then what he says next completely flips me. He's like, भाई वो तो thank God तूने side में wife दिखा दी, तो मैंने tone down version किया मजाक का. ये इसका tone down था. Tone down पे तो साला तलाक ही कराके मानता है यार. And by now I'm getting so agitated कि side से wife ही बोले calm down अभी होता calm down. जो कि मुझे सही भी लग रहा है कि चलो at least she's not buying any of this, she's normal, उसे कुछ नहीं लग रहा, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. And then I'm thinking उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. हल्का सा तो फर्क पड़ना चाहिए. लड़की के साथ फोटो है, बेड पे नहीं बैठे हम. अरे यार तुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, तुमसे क्या ही होगा मैं Thanks all, Heyman. That's my time. You guys have been a fantastic audience.